हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। आज का जो वीडियो रहने वाला है, बहुत टाइम बाद आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल रही है। तो थोड़ा लंबा गैप हो गया था, वीडियोस नहीं आई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट पे कमेंट आ रहे थे कि भाई पेपर कंप्लीट करा दो। तो 2018 का एक वीडियो बना था हमारा, पेपर पूरा नहीं हुआ था, तो उसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे। जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पॉसिबल हो पाए, एक घंटे की वीडियो बना देंगे और उसके बाद एक वीडियो और बना देंगे, उसमें सब खत्म कर देंगे। ये हमारा मैथ सेक्शन है, इसके बाद अभी इसका कॉमन भी करेंगे। सिमिलर वे में ये है 18 का पेपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेट बी है मेरे पास, और 2019 का भी मैं सॉल्व करा चुकी। जिन्होंने भाई वो भी नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। एक लेक्चर अपलोड हो गया है, ये है भाई मेरा लेक्चर नंबर 2, और उसके अंदर 10 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज मैं 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन बोरोड 7500। पहले क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है कि क्वेश्चन कहाँ से है। सबसे पहले बेसिक चीज़ ये देखा करो, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 7500 पे एक पर्सन है बोरो करता है, अ पर्सन बोरोड 7500 रुपीज़, उन्होंने बोरो किए 16% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन है, सी आई पे इतने रुपये बोरो किए 16% पर एनम के हिसाब से। हाउ मच डज ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। बस क्या करा करो, जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होता है उसको आप सर्कल लगा लिया करो कि हाँ हमें ये चीज़ों को फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होती। सो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। 7500 का आपको क्या करना है, 16%। लेकिन आप, मैं आपको ये सजेशन दूंगी, 16% को आप पहले अलग से सॉल्व कर लें, जो कि होता है 4/25। ठीक है, जब आप इसे कट करेंगे तो सीधा डायरेक्ट 7500 का 4/25 निकालिए। रफ वर्क में निकालोगे तो कितना आएगा, 1200। तो यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, 2 साल के लिए जब भी होता है तो यहाँ पे 1200। ये आपको ट्रिक कराई गई थी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। और फिर दोबारा से इस 1200 का 4/25 जब आप करेंगे, आपका ये कितना आ जाएगा, सो ये आपका आ जाएगा 32 25। आप इसको 5 पे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 240 5 और आपका ये आ जाएगा ना 8, और 8 चौक 32, 16 और 19, ये आ गया। ठीक है, सो अब आप इसको सिंपली, अब तो क्या ही जान है, ये आ गया 1200 और 192। ये देखो, ये होता है 1 ईयर का, ये होता है 2 ईयर का, तो ये अपना टोटल है। इन दोनों को ऐड करोगे तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद भी वो कितना लोन चुकाएगा। तो 7500 में आप क्या करेंगे, इस 1200 और इस 1392 को जोड़ देंगे। ये तो थोड़ा सा, मैं आपको 5 और 2 7 8 9 10, और ये तो थोड़ा सा इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और टाइम लगता है 2 से 3 मिनट में एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। लेकिन जब एक बार आप समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आप फटाफट से करेंगे। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 10092 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे इसको स्टॉप करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। 102 क्वेश्चन आपके सामने है। सो देखो भाई, अगला है 102 क्वेश्चन आपके सामने। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2.3 का क्यूब माइनस दिस, 2.3 का स्क्वायर प्लस दिस और प्लस दिस। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आपको क्या चीज़ देखनी होती है, ये हमारा अगर एक क्यूब दे रखा है तो दूसरा भी किसी ना किसी का क्यूब बनेगा, सबसे पहली चीज़। इसके बाद जहाँ हमें नीचे स्क्वायर दे रखा है तो आगे भी ये किसी का स्क्वायर, और इन दोनों में से कोई भी बन सकता है, एक स्क्वायर और जो दूसरा है वो ए और बी की फॉर्म में, जिससे हम यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा सकें, नीचे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकें नीचे वाले में। और ऊपर वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, यहाँ से, तो यहाँ से लगेगा हमारा ए क्यूब और माइनस में बी क्यूब, ये 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज़ होंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले कैसे यूज़ हो सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला कैसे बनेगा अपना, यहाँ से 2.3 का क्यूब, और यहाँ से जब आप लेंगे 27 के नीचे जब आप 1000 लगाएंगे तो ये 3, और बाय में 10 का क्यूब लिख सकते हो, मतलब कि 0.3 का क्यूब लिख सकते हो। समझते जाइए बात को, लो जी इसको भी रेस कर देते हैं, कहते हैं तो आप अपने पास जितनी जगह है उसी हिसाब से हम साथ साथ समझते जाएंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2.3 का क्यूब माइनस में 0.3 का क्यूब, समझ गए आप। सिमिलर वे में यहाँ पे 2.3 का स्क्वायर, सिमिलर वे में ये देखिए आप 0.3 का स्क्वायर, और जो ये है ए और बी का मल्टीप्लाई, ए ये और बी ये, सो यहाँ पे 2.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई ये होगा। चेक भी कर लीजिए, नहीं भी चेक करोगे तब भी आ जाएगा। अब आप इसे क्या लिखोगे, ए और बी, मान लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या होता है, ए माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और सिमिलर वे में नीचे भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो भाई मैंने ये सारा कैंसिल आउट कर दिया, ध्यान से समझते जाओ, ए माइनस बी तो 2.3 माइनस 0.3, तो अपना आंसर आ गया 2। दो आंसर के साथ मेरा ये आंसर करेक्ट था। जब आपके पास पेपर आ जाएगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना जितना यहाँ पे समझाने में लगाते हैं। समझाने में क्या होता है, आपको एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए आराम से, कॉपी में चाहे नोट डाउन कीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। ए क्यूब बी क्यूब फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से ये चीज़ें जो कैंसिल आउट हो रही हैं होने के बाद यहाँ पे ए माइनस बी भी बच सकता है और ए प्लस बी भी। तो यहाँ पे अगर प्लस हो तो बाहर प्लस आता है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस वाली टर्म्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 के बाद क्वेश्चन नंबर 103। सो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी। अब ये ए पी जी पी वाले क्वेश्चन जो आपने चैप्टर्स किए होंगे 9th 10th में भी हम करते हैं, एपी वाले का क्वेश्चन है ये। सो एपी में क्या कहता है देखिए, सबसे पहले एपी को सीख लें, वैसे एपी आपको आता ही होगा, इसमें सीख ही लेंगे जो कंसेप्ट है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ माइनस टू, ए वन अपना हो गया यहाँ से माइनस टू, एंड 11th टर्म इज़ 18। 11th टर्म मीन्स ए 11 आपको दे रखी है 18, तो इस ए 11 को क्या लिखते हैं भाई, सभी को पता होता है ए प्लस 18d इक्वल टू 10, ए प्लस 18d नहीं सॉरी 10d, क्योंकि a 11 है तो a प्लस 10d अपना 18 हो गया। a की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे, a की वैल्यू जब आप पुट करेंगे, a 1 मीन्स a ही होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 10d और 18 माइनस 2 उधर जाके हो जाएगा 20, यहाँ से आपका d आ गया 2, d यहाँ से आ गया 2, वैल्यू वापस से पुट कर दो, यहाँ से d 2 है आपका तो 20, और ए आपका यहाँ से वो तो माइनस टू आ ही जाएगा, तो कन्फर्म हो गया ए मेरा माइनस टू है। अब उसने क्या दिया है, 15th टर्म निकालनी है, 15 टर्म का मतलब a प्लस 14d निकालना है, a अपना माइनस 2 और प्लस में 14 और 2 का मल्टीप्लाई अपना 28, 28 में से तो हो गया 26, 26 के साथ भाई हमारा ये आंसर करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर, लिख लीजिए नोट डाउन कर लें। सो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, फ्रॉम ए सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक सर्कुलर पीस है कार्डबोर्ड का, एक कार्डबोर्ड का सर्कुलर पीस है जिसका रेडियस 3 है। लो जी भाई इसका रेडियस है हमें गिवन 3, जैसे जैसे जो जो चीज़ दे रहा है वैसे वैसे, सर्कुलर है तो सर्कल बना दिया, रेडियस 3 है तो रेडियस 3 बना दिया, जो जो चीज़ें वो देता जा रहा है उस चीज़ों का आप नोट डाउन करते जाएं, आपका आंसर आता जाएगा। दो सेक्टर्स हैं जिसमें 40 डिग्री का एंगल है। अब अपना सेक्टर क्या होता है भाई, यहाँ से ये एक सेक्टर होता है ऐसे, और ये एंगल है 40 डिग्री, और सेक्टर भी कितने हैं हमारे पास, दो। दो का मतलब कि एक सेक्टर लाइक दिस और एक सेक्टर मान लो इस टाइप से, वो भी 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो दो सेक्टर्स हैं, ईच हैव बीन कट ऑफ, ईच हैव बीन कट ऑफ का मतलब इन दोनों सेक्टर्स को इस सर्कल में से बाहर निकाल दिया गया, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो इस बचे हुए पोर्शन को भी अभी मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक और कलाकारी करते हैं, इस पूरे सर्कल में से दो सेक्टर्स को जब बाहर निकाल दिया सो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ग्रीन वाला पार्ट, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें कैसे करना है रिमेनिंग पोर्शन को फाइंड आउट, सो देखिए क्या करेंगे रिमेनिंग पोर्शन को निकालने के लिए, सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर सभी जानते हैं, में से माइनस कर दो इन दोनों सेक्टर्स को, पूरे सर्कल के एरिया में से इन दोनों सेक्टर को बाहर निकाल दो, बचे हुए पोर्शन का एरिया आ जाएगा। नहीं तो हमें ये पॉसिबल नहीं है, इस बचे हुए पोर्शन का एरिया डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, पूरे में से जो चीज़ दे रखी है सेक्टर दे रखा है उसको हटा दो, रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर में से माइनस करोगे सेक्टर, अच्छा सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे बात यहाँ आती है कि सेक्टर का कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो आधे बच्चों को वो ध्यान नहीं होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, क्या होता है थीटा है हमारे पास एंगल, अपॉन 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे दो सेक्टर हैं तो दो से और मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी थी, सो ये आपका हो जाएगा 9, और पाई आर स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आपका कितना हो गया भाई ये 2/9, सो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई हम, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर जो मैंने कॉमन बाहर लिया, और यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल आउट और हो रहा है क्या, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, एक सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सही लिखा है क्या,
हाँ क्वेश्चन भी सही है। सो देखते हैं, कोई बात नहीं, इतना हो गया हमारा। इसके बाद अपने को क्या करना है, नो और माइनस दो, तो कितना हो गया पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है मेरी 3। अभी देख लेते हैं, आंसर मैच नहीं होगा तो क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ होगी। रेडियस है 3, 3 का डबल 9, 9, और यहाँ से कितना हुआ नो, 7, 7/9, 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 बचा। क्या मेरा 22 आंसर है? एक बार मैं आंसर चेक करती हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। 22 ही आंसर है क्या इसका? जी हाँ, 22 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर करेक्ट है। क्या किया मैंने, पूरे सर्कल के अंदर से जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, में से इन दो सेक्टर्स के एरिया को हमने माइनस कर दिया। तो इस सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और दो हैं हमारे सेक्टर्स तो दो से और मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सिंपल कैलकुलेशन वर्क था जो कि आप सब इजीली कर सकते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। सो देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कहता है, m परसेंट का मतलब m बटा 100, और m का फिर से मतलब स्केल लगा दो, सीधा सीधा किया करो डायरेक्ट। यहाँ पे इसीलिए आपके लिए वीडियोस बन रही हैं कि आप डायरेक्ट से डायरेक्ट शॉर्टकट से कम समय में कैसे चीज़ों को सॉल्व करना सीख सकते हैं। लंबे समय में तो कोई भी कर देगा एक क्वेश्चन को, अगर आप 15 मिनट लेके बैठे रहेंगे तो वो तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग वैसे भी चल जाएगा, तो कोई किसी का भी चल जाएगा, लेकिन कम समय में कैसे जल्दी कर पाएंगे वो देखना है। n परसेंट ऑफ n, n स्क्वायर बाय 100 लिख दो, और बराबर में 2%, 2/100, साथ में mn लिख दो, ठीक है। ये 100, ये 100, ये 100 सारे कैंसिल हो गए, सारा एक तरफ ले जाओ, एम स्केयर प्लस एन स्केयर माइनस 2mn बराबर 0 हो गया। यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, सो m माइनस n का होल स्केयर बराबर 0, m और n बराबर हो रहे हैं, m और n बराबर हो गया, मीन्स m इसका n का 100% है। तो क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज़ n, तो दैट इज़ 100%। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 105। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106 इज। सो देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, 106 क्वेश्चन जो था, x की वैल्यू निकालनी है जो सेटिस्फाई करती हो इसको, जो इसको सेटिस्फाई करती हो। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सी क्या चीज़ करनी है, वैल्यूज़ को पुट करके देख लो कैसे। 51 प्लस x है, प्लस में 51 माइनस x है, यहाँ दे रखा है 26। क्या कीजिए, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू हमारी क्या आएगी। माना हमने यहाँ से उठाना शुरू किया और दोनों हैं, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले 1 उठाया, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ऊपर पावर हुई 2। फिर से वही बात बोलूँगी कि डायरेक्ट जितना आप डायरेक्ट करेंगे, मुझे समझें, या तो आपको कई बार ऐसा, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बहुत स्पीड से कराते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है भाई बहुत स्पीड से हो रहा है तो स्पीड को और स्लो कर लीजिए, या फिर बीच बीच में स्टॉप लगा दिया करो कि हाँ मैंने यहाँ तक क्या चीज़ बताई, ऐसे कर लिया करो। जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करोगे पावर हो जाएगी 2। मैं स्पीड से इसलिए बोलती हूँ ताकि आप भी उतनी ही स्पीड से सुन सकें और उतने ही स्पीड से आप ग्रैब कर सकें चीज़ों को, ताकि आप भी उसी फ्लुएंसी आपकी भी तेज हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 पुट करोगे पावर 2, 5 की पावर 2 25, 5 पावर 1 पुट करोगे, 1 में से 11 0, किसी की भी पावर 0 होती है सो दैट शुड बी 1, वो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, सो 1 आ गया मेरा 26, हो गया मेरा सेटिस्फाई। अब बात बची माइनस 1 को और सेटिस्फाई कर दो, तो भाई आंसर ही फर्स्ट हो जाएगा, आगे जाने की ही ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। सो सेटिस्फाई करा लो भाई माइनस 1 को, माइनस 1 में अब ये 0 हो जाएगा, और माइनस 1 में माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये वही 1 और ये वही 25, 25 और 1 26, ठीक है। दिस आंसर इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 106। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आंसर नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, टावर की टॉप से, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप डायग्राम बना लें। सबसे पहले आपका डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो हम देखते हैं। फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, टावर ये है मेरा, मान लो टावर, इस टावर की टॉप को ले लिया मैंने, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, चलो मैंने बनाई दिया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा टावर है और ये टावर की टॉप है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का एंगल है, डिप्रेशन मतलब होता है नीचे की तरफ, पी एंड क्यू दो एंगल्स हैं, पी और क्यू की तरफ, तो लो जी पी और क्यू की तरफ, ये मेरा पी एंगल है और यहाँ मेरा क्यू एंगल है। यहाँ से ऊपर टॉप ऑफ टावर से दो डिप्रेशन के एंगल्स लिए मैंने, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ, अब वो कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं दोनों, ये टावर है यहाँ से, ये यहाँ तक आया P और ये यहाँ तक आया Q, वो कह रहा है कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं ये वाली चीज़, 100 और 3 माइनस रूट 3, तो P और Q कितने डिस्टेंस से सेपरेट हैं, 100
तीन माइनस रूटें। डायग्राम बनाना सीखिए, सिर्फ इसकी फिगर बनाने में ही प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। 100 और 3 माइनस रूट 3 जो है हमारा P और Q के बीच में जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है उसके बीच का डिफरेंस है ये वाला। R 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो यहाँ से आपका ये 60 डिग्री और 45 डिग्री के दो एंगल हैं आपके। हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है। ये तो था मेरा डायग्राम बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखिए। इतना डायग्राम सीखा आपने, इसको ऐसा करते हैं, सीख लिया ना, अब आपने छोटा सा बना देते हैं क्योंकि हमें यहीं पे इसका सॉल्यूशन भी तो करना है। बना लीजिए डायग्राम, एक किनारे में ये ऐसे जाएगा, ये आपकी हाइट है, ये पी, ये क्यू, 60 डिग्री का एंगल दे रहा है, 45 डिग्री का एंगल दे रहा है, ये 103 माइनस रूट 3 है मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ये तो यहाँ नहीं गिवन, ये क्या है, इसको ए बी सी कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये हो गया अपना डायग्राम। तो सबसे पहले आपको टेंजेंट पता होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, याद होगा ना। टेंजेंट क्या है, पी बाय बी। ओके, तो ये सब एकदम से याद होने चाहिए। साइन क्या है, एकदम से टेंजेंट क्या है। जब अपने को पता है टेंजेंट हमारा हाइट बाय में ए होता है, लिख दो। तो टेंजेंट 60 है, सबसे पहला एंगल टेंजेंट 60 एच बाय ए, ठीक है। टेंजेंट 60 की वैल्यू, अब आपको फटाफट से सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो कि मुझे तो याद है, आपका मुझे पता नहीं। वैसे मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री करा रखी है, आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट भी देखोगे, उसके अंदर मैंने ये सारे फॉर्मूले को लर्न करना भी सिखाया था, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था, याद कर लेना, देख लेना वो वाली वीडियोस। टेंजेंट 60 है मेरा रूट 3 और एच बाय ए, तो यहाँ से हमें ए निकाल देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी ए की वैल्यू मिसिंग है जो हमें पता नहीं है। तो यहाँ से सम ए आएगा, लाइक ए रूट 3 उधर गया और एच तो अपनी जगह ही है, रूट 3 नीचे आ गया, ये आ गया मेरा ए। क्लियर है भाई? अब टेंजेंट 45 का यूज़ करेंगे, तो आप लिखते जाना क्योंकि मुझे बीच में कुछ इरेज करना पड़ सकता है, आंसर नहीं आएगा तो। मैंने लिखा टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 फिर से वही हमारा परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर तो यही है मेरा एच, इसकी ओर चाहे नेमिंग दे लो, ए बी पी क्यू आर एस कुछ भी नाम, पी क्यू नहीं छेड़ना क्योंकि पी क्यू क्वेश्चन में है, इस पी क्यू को मत छेड़ना यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ए बी डी एफ कुछ भी नाम दे सकते हो अपने तरीके से। टेंजेंट 45 हमारा हाइट और बाय में बेस, और बेस में क्या क्या है, ए। अब तो इसका तो 45 वाले का तो बेस पूरा ही है, ए प्लस में 100 रूट 100 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। तो यहाँ से ए प्लस 100 और 3 माइनस रूट 3, ठीक है। जगह कम पड़ रही है तो मैं सोच रही हूँ इरेज कर दूँ डायग्राम, क्योंकि इस फिगर का मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से सिर्फ वैल्यू निकालनी बची है। सुनो, मैंने इसको इरेज किया, या फिर थोड़ा क्वेश्चन इरेज कर दें, कोई बात नहीं, यहीं पे आ जाएगा। एक एक स्टेप को समझिएगा, हाँ बहुत साफ दिख रहा है आज आपको पहले से, वैसे तो पहले भी साफ ही दिखता है। यहाँ पे हम देखते हैं टेंजेंट 45 होता है मेरा 1, तो मैंने लिखा 1 और h, h हमें नहीं पता, और a, a की वैल्यू आई है अभी, ये रही एच रूट 3, एच बाई रूट 3 प्लस में 100 3 माइनस रूट 3, ठीक है। ये सारा है इधर 1, तो ये जब ऊपर गया और h इधर आया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने इसको क्या कर दिया, h के बराबर। एक एक स्टेप समझिएगा, यहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ, h रूट 3 प्लस 300 माइनस 100 रूट 3, ठीक है। इस रूट 3 का एलसीएम ले लूँ, रूट 3 का जब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ लिख दिया मैंने रूट 3 h, यहाँ से रूट 3 हट गया, यहाँ से ले लिया मैंने 300 रूट 3, ध्यान से देखते जाओ भाई एक एक स्टेप, और यहाँ से आ जाएगा मेरा रूट 3 और रूट 3 3 और ये 300, ये आ गया यहाँ तक। अब क्या करो, h वाले एक तरफ ले आओ, h वाला इधर आया तो ये मैंने कर दिया माइनस, ध्यान से एक एक स्टेप देखो भाई, मेरे पास है जगह कम तो मैं तो ऐसे ही कट कट करके कर रही हूँ, आप एक एक स्टेप सीखें। यहाँ से h कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1, यहाँ से 300 कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 दोनों तरफ कट गया, h और 300 बराबर है। क्या भाई 300 आंसर में है कि नहीं आया हमारा सही? हाइट आई है मेरी 300, तो 300 आंसर में भी है, एक बार वेरीफाई भी कर लेती हूँ। अपना करेक्ट आंसर 300 ही है। बताइए आपका आंसर आ चुका है, 300 इज द करेक्ट आंसर। दोबारा समझ लें एक बार, वैसे समझने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 45 और 60 दो एंगल्स थे, 60 डिग्री वाले एंगल से आप टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दें, फिर 45 डिग्री एंगल से टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दें, यहाँ से ए की वैल्यू यूज़ करके इसमें पुट कर दें। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं पेपर में। 108वां क्वेश्चन देखते हैं, 108वां क्वेश्चन क्या है।
लो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से सामने आ चुका है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन। रेक्टेंगल के अंदर आपको रेक्टेंगल का पैरामीटर पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए, रेक्टेंगल की जो भी चीज़ें पूछी जाएं वो सब पता होनी चाहिए। डायगनल ऑफ रेक्टेंगल पता हो, डायगनल्स में साइड्स आपको पता हो, लेंथ और ब्रेथ साइड होती है, उसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए एक एक फॉर्मूले का। सो पहले आप ग्रीन से अंडरलाइन कर लीजिए आपको गिवन क्या क्या है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए, आर इक्वल टू हैविंग एरिया। एरिया देखो अब आप क्या करेंगे, एकदम से जैसे मैंने हैविंग के बाद सीधा पढ़ दिया 144, तो बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को 144 पढ़ देते हैं, क्योंकि एरिया या आर एक जैसा सा लगता है और स्किप होता है। तो यही चीज़ें करनी है, सर्कल कर दो कि एरिया गिवन है 144, कि आपको बिल्कुल ना भूले कि ए इज़ 144, समझ रहे हो, एक एक चीज़ को। एरिया है 144 और साइड्स आर इन द रेशो 4:9। साइड्स को आप क्या करो, एक मान लो साइड मेरी 4x और दूसरी साइड मान लो मेरी 9x, तो 4x और 9x से आप क्या कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर। पता है ना आपको एरिया कैसे होता है, एरिया हमारा लेंथ और ब्रेथ 144, तो 9 चौक 36 एक्स स्क्वायर 144। यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 36 से आपका जो भाग होगा ये आपका पूरा ही जा रहा है किस पे, 4 पे, 6 चौक 24, हाँ पूरा 4 पे कटता है, 4 पे गया, तो x आ गया 2। 2x आने से ये वैल्यू क्या आई, 8 और 18। अब बताना क्या है, आप कुछ भी पूछे बता दो। पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, 2 × l + b, सो ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, l और b का सम 18 और 8 आपका 26 और 2 52। ये आंसर है आपका भाई। नहीं समझ आया तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन की नंबरिंग डाल देना कि ये क्वेश्चन आपका अभी भी डाउट में है, कोई भी ऐसा नहीं सिर्फ यही, जो भी क्वेश्चन आपको अभी भी डाउट में हो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपका अभी ख़त्म तो होगा नहीं ये लेक्चर्स, अभी कंटिन्यू जाएंगे HSTET के पेपर के, तो उसको हम अगले क्वेश्चन में फिर से रिवाइज कर लेंगे, मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में। 109 देखें। सो देखो भाई अगला क्वेश्चन है, मैं सोच रही हूँ 10 ही क्वेश्चन कराते हैं, 109 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको। 110वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, और 110वें क्वेश्चन का सभी जवाब देना, उसको कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर देना, लिख देना, और फिर हम उसको अगले क्वेश्चन में फिर से डिस्कस कर ही लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस होता है 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्केयर। देखो सर्कल का सर्कमफेरेंस, स्केयर का पैरामीटर, और दोनों चीज़ें आपस में बराबर हों। पैरामीटर क्या होता है, 4a, कैंसिल क्या हो रहा है उसको काट दो, यहाँ पे चाहे 22/7 भी लिख दो, r 2a, आपने ये कट किया, r आ जाएगा यहाँ से समथिंग 7/11 है, यहाँ से रेडियस आ गई। पूछा क्या है आपसे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या सही है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर है एरिया ऑफ स्केयर के कि दोनों इक्वल आ जाते हैं, या फिर एरिया ऑफ सर्कल बड़ा है एरिया ऑफ स्केयर से, एरिया ऑफ सर्कल छोटा है, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्केयर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्केयर, और एरिया ऑफ स्केयर हमारा यहाँ से एरिया ऑफ स्केयर 4, हाँ हमारा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्केयर। यहाँ से रेडियस की वैल्यू अगर अपने पास है तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से पाई 22/7, रेडियस मेरा कितना है 7/11, और ए और उसका भी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखें, यहाँ पे ये दोनों बराबर दिखा रहा है, अगर ये दोनों चीज़ें बराबर होती तो ए स्क्वायर या बराबर ए स्क्वायर होता, और या फिर ये वाला सारा टर्म्स इधर भी होती। अब हमें यहाँ तो है सिर्फ ए स्क्वायर, और यहाँ पे है 22/7, 7 का स्केयर 49 और 11 का स्केयर 121 और 7 में ए स्केयर, तो मतलब कि यहाँ सिर्फ ए स्केयर, यहाँ पे ए स्केयर के साथ कितनी सारी वैल्यू फालतू, तो ये बड़ी हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हमारा बड़ा है किससे, एरिया ऑफ स्केयर से। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए स्केयर और ए स्केयर को कंपेयर करेंगे, यहाँ कितनी सारी चीज़ें फालतू हैं कट करने के बाद भी, तो ये वाला पार्ट इधर वाला बड़ा है इस वाले से, सो ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा है 6, और हमें क्या दे रखा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर दे रखा है 26, हमें ये चीज़ निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को निकालना है वो इस टाइप का, अगर हम स्क्वेयर कर दें इसकी वैल्यू का यूज़ करते हुए हम इसे निकाल पाएंगे। क्या कीजिए, इसका स्क्वेयर, और मैं इसका स्क्वेयर भी डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये फॉर्मूला सभी को याद है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप 26 पुट करें प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो हमें निकालना है, और बराबर में इसका हो जाएगा 36, 2 टाइम्स जो हमें निकालना है ये आ गया इधर आके 10,
और इसका टू टाइम्स भी, मतलब ये अब यहाँ लिख दो चाहे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अपन को जो निकालना था 10/2 5 आ गया, 5 के साथ मेरा डी आंसर करेक्ट आंसर है। आराम से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 110वां, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, और वैसे दिमाग भी लगाने वाली इतनी जरूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड का लिया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल वहाँ पे टेंथ में हमें लेना आता था यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, याद है ना ये वाला फॉर्मूला। और एस क्या होता है, तीनों जो साइड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगुलर फील्ड की जो साइड्स हैं उन साइड्स का सम, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। एस हमारा क्या होता है, कैसे निकालते हैं एस, जो हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं उन सभी साइड्स का सम बाय में टू, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। यहाँ से कितना हो जाएगा 80 और एक 10, 90 बाय 2 हो गया हमारा 45। एस आ गया है मेरे पास 45। एस 45 होने के बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, सो एस हमारा है 45, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा देखते हैं। सो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो यहाँ से बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के, जब अपने पास एस आया हुआ है कितना 45, और 45 माइनस ए मतलब कि 4, 45 माइनस 40 5, 45 माइनस 9 करोगे आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 9 है ना, 9 ही बोला ना मैंने, 36, ठीक है। सो यहाँ से अब आप बाहर निकालें, 4 का 2 आ जाएगा बार, 6 आ जाएगा बार, और 45 का 5 से गुना कितना होता है 22, 225 का 15 आ जाएगा बार, तो 6 दुनी 12 और 15 और 10 की आपके यहाँ से हो जाएगी ना 15 दुनी 30 और 6 180, यहाँ से आपका आ गया 180 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कैलकुलेशन वर्क था। सबसे पहले हमने एस निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, अभी तक बस हमने वो किया है 180। अब कह रहा है यहाँ तक क्वेश्चन निकाल दिया हमने, नाउ द नंबर ऑफ रोज बेड्स, नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड, हमें नंबर निकालने हैं किसके, रोज बेड्स की संख्या निकालनी है जो प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ़ ईच रोज बेड ऑन एन एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये टर्म अपन को मीटर में दे रखी हैं और हमसे जो एवरेज कही गई है वो 900 सेंटीमीटर स्क्वेयर की है, तो आप क्या कीजिए पहले इस वाले को 180 को सेंटीमीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ से मैंने आपका क्या लिख दिया, एरिया आपके पास कितना आ रहा है, मीटर स्क्वेयर था तो अपना एक मीटर में 100 और 20 और 20, ये आ गया अपना सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या कहता है, नीड्स एंड एवरेज, तो जब भी हमें नंबर ऑफ बेड्स निकालने होते हैं तो आपको क्या करना है, एरिया और बाय में आपका जितने पर के लिए दे रखा है, एक के लिए दे रखा है ना ये, ऑन एन एवरेज नीड्स 900, तो आप जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा 2000। अच्छा ऑप्शन का है, हाँ ये रहा 2000 ऑप्शन है, नंबर ऑफ बेड्स 2000 है, मैं एक बार करेक्ट देख लेती हूँ, यही है ना इसका, हाँ जी ए इसका करेक्ट आंसर है, 111 का 2000 करेक्ट आंसर, चाहे आप नोट डाउन कर लें और समझ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत डिमांड से आया था कि प्लीज़ ये पेपर कंप्लीट करा दो, तो ये पेपर बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 112वां क्वेश्चन नंबर, आसान सा, बहुत आसान, TGD का पेपर बहुत इजी आता है, बस ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैथ्स का सेक्शन बहुत सही आया हुआ था, मेन है कॉमन सेक्शन, कॉमन सेक्शन में नंबर नहीं ले पाते, हाँ मैथ्स का ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि थोड़ा लेंथी होते हैं क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो जितना आप कॉमन पेपर को अपना स्ट्रांग करेंगे उतना आपको मेन सब्जेक्ट की ओर कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मेन सब्जेक्ट पे देखो जरूरी दोनों हैं पेपर को पास करने के लिए, कॉमन प्लस जो आपका मेन सब्जेक्ट है, दोनों पे कमांड बनानी जरूरी है, बस ये है कि मेन जो सब्जेक्ट है कभी कभी क्वेश्चंस थोड़ी डिफिकल्ट लेवल के आ जाते हैं, तो आप कॉमन को उतना ही अच्छा स्कोर करके नंबर ले सकते हैं। साइन अल्फा अपन को दे रखा है अंडर रूट 3/2, तो यहाँ से साफ साफ हमें पता चल रहा है अल्फ़ा की वैल्यू मेरी 60 आ जाएगी, यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू मुझे साफ साफ पता चल रहा है मेरी कॉस बीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी, और यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है 45 कॉस बीटा तो 30 पे होता है, 30 वैल्यू आएगी यहाँ से, रूट 3/2 कब होता है, देखो रूट 3/2 दोनों ही रूट 3/2 है, और ये 60 पे है तो ये 30 पे है, बहुत सिंपल है। और यहाँ से मेरा गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, सभी को पता है टेंजेंट अल्फ़ा 1 कितने पे होता है 45 पे, 60 और 30 90 और 45 आपका 135 है, 135 आपका ऑप्शन में कहाँ पे है, 135 के साथ मेरा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है,
बहुत सिंपल था, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है इसमें, तो मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। याद होना चाहिए ये 60, 30 और 45 सभी का सम आपका 135 के साथ सी आंसर करेक्ट आंसर है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द एपी, दिस 2, 4, 6, 8, 10 फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, कितने ऐसे नंबर्स हैं आर नीडेड टू गेट सम 210। जब भी यहाँ पे सम 210 आता है, क्वेश्चन एपी की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे सम के रिगार्डिंग आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना होता है, SN वाला। तो यहाँ से सभी को पता है SN इक्वल टू एन बाई टू 2A प्लस एन माइनस 1 2A, SN इक्वल टू एन बाई टू और यहाँ पे 2A प्लस में एन माइनस 1D। सभी को ये वाला फॉर्मूला पता है, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई करना है। SN अपना 210 है, यहाँ पे 210 की वैल्यू पुट कर दीजिए। N बाई टू हमें नहीं पता तो आपका N बाई टू ही रहने दो। N निकालना है बेसिकली, हाउ मेनी टर्म्स बोला है ना, N आपको बेसिकली यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से 4 लिख के N माइनस 1 लिख के 2 लिख दीजिए, ये आपका 2 पर गया, 420 हो जाएगा। यहाँ से 4N प्लस में और यहाँ से आपका 2N और N 2N स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2N, पूरे में से 2 आप कॉमन ले लीजिए, N स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपका। और यहाँ से 2N यहाँ पे आपका प्लस का 2N माइनस का 210 लो जी, ये आएगी आपकी लास्ट एंड फाइनल वैल्यू, N स्क्वायर प्लस 2N माइनस 210। N स्क्वायर प्लस N आएगी भाई, N स्क्वायर, अच्छा 2N तो यहाँ पे ना, यहाँ पे वो जो 2 से हमने कैंसिल आउट किया था, यहाँ से 2N स्क्वायर का 2 गया, यहाँ से इन दोनों का 2 और 2 भी गया, यहाँ से 210। ये फाइनल टर्म है, इसके बाद आप इसका फैक्टर्स कर सकते हैं, 14 और 15 आपके दो फैक्टर्स बनेंगे, 14 और 15 का मल्टीप्लाई 210 होता है, और 15 माइनस 14 बनेगा, एक 14 आएगा और एक 15, 15 आपका नेगेटिव और 14 आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यूज ही दिख रही हैं। तो 14 करेक्ट आंसर होगा पॉजिटिव वाला, निकाल के देख लेना, आराम से कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन वर्क बचा है जो छोड़ा है मैंने। इनकी दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना और पॉजिटिव वैल्यू आपका करेक्ट आंसर दे देगी। इसका 14 आंसर देख लो, मैं करेक्ट है या नहीं, यस बिल्कुल करेक्ट है। सो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे है, 114 क्वेश्चन, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3600 रुपीज़, एक पर्सन एक चीज़ को बेचता है 3600 रुपये का। लो जी, जो बोलता है वही हम लिखते जाएंगे, यही हमारा काम है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला है उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे लिखना है। एंड गोट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का मुनाफा होता है। तो लो जी 20% का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दो कि वो कॉस्ट प्राइस वो खरीद के कितने का लाया वो आइटम, ठीक है। तो जब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 3600, 20% का प्रॉफिट है, उसने कितने का ख़रीदा होगा, तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस अगर निकाल दूँ तो आपका ये कितना हो जाएगा, 100 और 120 का प्रॉफिट है। तो जब आप इसे काटेंगे 36 3000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3000 की आइटम को 3600 का लाता है, उसे 20% का मुनाफा होता है। तो इतना सारा इरेज करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 3000, देन सेलिंग प्राइस अपना 3600 हो जाएगा। सो कॉस्ट प्राइस हमारा 3000 है, तो सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ से 3600 हो चुका है। अब इसके आगे का देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ से निकला है यहाँ तक, हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 3150, तो हाउ मच प्रॉफिट, अगर वो इतने का आर्टिकल को बेचे तो उसको मुनाफा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये अपने को बताना है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से वो कह रहा है अगर वो आर्टिकल को इतने का सेल करे, मींस अब कॉस्ट प्राइस अगर उसकी 3000 है और वो आर्टिकल को कितने पे, 3150 पे देता है, तो कितने का उसे मुनाफा हुआ, यहाँ से सीधा 150 रुपये का, और कितने पे, 3000 पे, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, 100। तो आपकी ये 20 गई, ये सारा ही गया, तो आपका यहाँ से 5% का प्रॉफिट आ गया है भाई। ऑप्शन में 5% ही आंसर है क्या इसका करेक्ट, एक बार मैं देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, 5% करेक्ट आंसर है। सो समझ आ गया होगा यहाँ से किया क्या है मैंने, सबसे पहले सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट गिवन हो, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो कि वो चीज़ हमने खरीदी कितने की है। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया, अब वो कह रहे इतने की बेचे, तो कॉस्ट प्राइस अगर इतना है तो 3150 की अगर वो बेच रहा है उस आइटम को, 150 का मुनाफा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, गुना में, सो 5% का, 5% का मतलब 5% इज द करेक्ट आंसर फॉर 114 क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 115। सो देखिए भाई,
आज का जो 115वां क्वेश्चन है ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क में। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो दोबारा से लेके आऊँगी। तो बोला था मैंने एक घंटे का हो जाएगा वीडियो, लेकिन कोई नहीं, अभी इतना ही कीजिए आज के लिए। इसका आपको कमेंट सेक्शन में होमवर्क को आंसर देना है, बिलो कमेंट सेक्शन होगा आपको उसमें इसका आंसर दे देना है क्वेश्चन नंबर 115 का। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, मतलब जब हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर, और नेक्स्ट में 115 से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।